हेलो दोस्तों, आप अगर SBI का कस्टमर है और यूनो मोबाइल ऐप इस्तेमाल करके आ रहे हैं और यूनो ऐप में आप स्टेटमेंट डाउनलोड करना चाहते हैं तो कैसे कर सकता है, अगर आप जानना चाहते हैं तो बने रहिए इस वीडियो में आखिर तक। हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रणव और स्वागत है आपको डीजी वर्क लाइफ यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इसके लिए पहले हम अपना मोबाइल का स्क्रीन पर लेकर चलेंगे और आगे का प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे। अभी दोस्तों आप देख सकते हैं हम अपना मोबाइल के स्क्रीन पे आ गया है। तो यहाँ पे हमारे को करना है यूनो SBI में जाके स्टेटमेंट डाउनलोड। तो इसके लिए जाएंगे यूनो SBI ओपन कर लेंगे। जैसे यूनो SBI हमारा मोबाइल में ओपन हो जाएगा तो हम MPIN डाल के लॉगिन हो जाएंगे। अभी आप देख सकते हैं हम अपना मोबाइल में यूनो SBI ओपन कर लिया है। तो अभी लॉगिन बटन के ऊपर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। लॉगिन बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे MPIN डाल के यूनो SBI में हम लॉगिन हो जाएंगे। अभी आप देख सकते हैं हम अपना अकाउंट में लॉगिन हो चुका हूँ। हमारे को करना है डिटेल स्टेटमेंट डाउनलोड। इसके लिए हम जाएंगे अकाउंट्स ऑप्शन में। तो अकाउंट्स ऑप्शन में जाते ही हमारा जो सेविंग अकाउंट नंबर है यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो उसके ऊपर जो कार्ड तीर का निशान है उसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे। जैसे उसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो जितना भी ट्रांजेक्शन है 150 ट्रांजेक्शन यहाँ पे दिखाई देगा। अगर इस ट्रांजेक्शन को आपको डाउनलोड करना है तो एक ऑप्शन ही यहाँ पे दिखाई दे रहा है ट्रांजेक्शन का, उसके ऊपर क्लिक करना होगा। ये बोल रहा है फाइल डाउनलोडेड सक्सेसफुली डाउनलोड अकाउंट स्टेटमेंट PDF। तो ये आपका फाइल जो है स्टेटमेंट डाउनलोड हो चुका है, आप अपना मोबाइल में चेक करें। तो हम अभी अपना मोबाइल में वो चेक करते हैं कहाँ डाउनलोड हो गया। ये चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पे 150 ट्रांजेक्शन एट ए टाइम आपको डाउनलोड करने को मिलेगा, लेकिन उससे भी पुराना अगर ट्रांजेक्शन चाहिए आप यूनो लाइट SBI या तो SBI इंटरनेट बैंकिंग में चला जाके आप पुराना स्टेटमेंट भी सिलेक्ट कर करके डेट सिलेक्ट कर करके डाउनलोड कर सकते हैं। अभी हम मोबाइल में देखते हैं कहाँ है स्टेटमेंट, कहाँ डाउनलोड हो गया है। अभी हम अपना मोबाइल में जाएंगे फाइल मैनेजर। तो फाइल मैनेजर में चला जाएंगे और रिसेंट फाइल में देखेंगे कहाँ डाउनलोड हुआ। ये है स्टेटमेंट, तो इसे ओपन करके देख लेता है। ये PDF फॉर्मेट में डाउनलोड हो गया, ये ओपन करके देख लेते हैं। देखिए हमारा स्टेटमेंट 150 ट्रांजेक्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दोस्तों इसी तरीके से आप SBI यूनो में अपना अकाउंट स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। 150 ट्रांजेक्शन आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आए होंगे। कैसे आप यूनो ऐप को इस्तेमाल करके अकाउंट स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं उसके बारे में पता चल गया होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आए वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ। तब तक दोस्तों इजाजत दीजिए, नमस्कार।